हमारे तीन प्रश्न हैं। पहला, 72,074 मेगावाट क्षमता के कोयले के प्लांट जिसमें बिजली का उत्पादन हो सकता है, वो आज बंद क्यों है? क्यों वहाँ पे कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकती? पॉइंट नंबर टू, 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट में कोयला मात्र क्षमता का 25% स्टॉक ही क्यों है? मतलब 61% जो कोयले के जो प्लांट है जहां कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, वहां पर कोयला की जो स्टॉक है वो 25% से जो उनकी क्षमता है उससे मात्र 25% या उनसे कम क्यों है? नंबर तीन, कोयले की मांग जब रोजाना 22 लाख टन है तो सप्लाई मात्र 16 लाख टन ही क्यों की जा रही है? पॉइंट नंबर फोर और महत्वपूर्ण इश्यू है, मई में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कह रही है कि मई में 2.2 लाख मेगावाट की आपकी डिमांड होगी। इस समय जब 2.01 लाख मेगावाट की डिमांड है बिजली की, वो तो आप आपूर्ति नहीं कर पा रहे हो। मई में 2.2 लाख मेगावाट की डिमांड होगी, उसकी आपूर्ति के लिए आपकी क्या योजना है, देश आपसे जानना चाहता है। आप हर बात को राज्यों के हवाले करके पीछे के दरवाजे से नहीं निकल सकते।